हाय फ्रेंड्स, आज देखिए कि मैं कहाँ आ गई हूँ, वो भी आज समोसे का ब्लॉग बनाने के लिए, जो मैं यहाँ 21 साल से कंटिन्यू, यानी कि जब आती हूँ जब खाकर ही जाती हूँ। तो ये बड़ौदा में मंगल बाज़ार है, श्री जी नाश्ता हाउस। और मतलब बोलते हैं ना कि पहले कुछ और था, अभी कुछ और, मतलब बोलते हैं 21 साल में तो बहुत चेंजिंग हुई है फ्रेंड्स। और ये है फाफड़ा, ये है मठिया, और ये जलेबी भी साइड में दिख रहा होगा, झाँक रहा है जलेबी कि हमें भी कोई ले लो मीठा मीठा। तो यहाँ पे कचौड़ी है मूंग दाल की और समोसा, यहाँ मतलब मिलेगा तो आपको हर चीज़ बहुत कुछ मिलेगा, पोहा भजिया दाल बड़ा ढोकला खमन सब मिलेगा। मगर यहाँ समोसा ऐसा है कि जो आता है, मैं तो हमेशा देखी हूँ आता है तल करके, इसका कहीं शॉप और होगा जहाँ पे ये तला जाता है स्पेशली, और यहाँ लाते हैं गर्मा गर्म लाते हैं और बिल्कुल 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स ये है पट्टी समोसा, तो चलिए मैं समोसा ले लेती हूँ। और यहाँ पे 3 तरह की चटनी रखी रहती है, आपकी इच्छा है जो भी चटनी लीजिए, मतलब खुद सेल्फ लीजिए और अपना इंजॉय कीजिए खाइए। तो यहाँ पे लाल और हरी चटनी मैं ले ली हूँ, और ये पीली वाली है कढ़ी। तो यहाँ गुजरात में समोसे कचौड़ी और खमन के साथ पीली वाली चटनी खाते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं बैठ जाती हूँ, इस तरह से चेयर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स और मैं बताती हूँ, समोसा है 15 रुपया का 2 पीस और कचौड़ी है 17 रुपया का। तो और बाकी तो जितना कुछ अगर खाना हो ना, तो वो भजिया वगैरह ग्राम से मिलेगा कि कितना, 100 ग्राम 250 ग्राम कितना लेना है। तो चलिए पहले मैं इंजॉय कर लेती हूँ, यानी कि अब कंट्रोल नहीं होता है, तो फ्रेंड्स पहले खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ कुछ देर में। और बोलते समोसा तो सबका फेवरेट है, और यहाँ मैं पूरा फिनिश कर दी समोसा, और बहुत गरम गरम था, मज़ा आ गया खाने में। तो जो लोग बड़ौदा में हैं वो जानते हैं, और यहाँ का स्वाद भी जानते हैं कि कैसा है। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलती हूँ, और कभी मंगल बाज़ार आइए तो यहाँ ज़रूर टेस्ट करके जाइएगा। चलती हूँ, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।